ये चेक करें, एक और मिनी कूपर खड़ी है। अच्छा, मिनी कूपर्स बहुत ज्यादा खड़ी हैं यहाँ पे, अबैंडन जो है ना, मिनी कूपर्स बहुत ज्यादा खड़ी हैं। चेक करें अगर इसका बम्पर वगैरह नहीं है। और उसके बाद वो होंडा सिविक खड़ी है, और उसके बाद ये कैमरी खड़ी है, और भी नॉर्मल गाड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे खड़ी है ना, ये देखें। उसके बाद ये एक अल्टिमा हो गई, ये शेवरलेट की खड़ी है, और ये बहुत सारी गाड़ियाँ। और गाइस ये देखें, ये खड़ी है मस्टैंग, और खड़ी की तरह है कचरे के अंदर। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारा कचरा जी मस्टैंग। ये है जी वैल्यू यहाँ पे गाड़ियों की। और चेक करें इंटीरियर इसका, बहुत प्यारा लग रहा है, वाइट एंड ब्लैक इंटीरियर है इसका, द वन एंड ओनली मस्टैंग। चेक करें इसके रिम्स, चेक करें, और है ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल, लेकिन और मस्टैंग खड़ी की तरह। चेक करें रिम्स वगैरह, चेक करें, और अंदर से जो है ना इसका इंटीरियर मुझे तो नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को शायद अंदर से ना नज़र आ रहा हो। और उसके अलावा जो है ये देखिए 5.0 इसके रिम्स, इसके कैलिपर्स। तो ये वैल्यू है जी यहाँ पे गाड़ियों की, मस्टैंग हो या जो भी है, वो ऐसी पड़ी होती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। चेक कर लें, और ऊपर ये स्क्रैप वाले इनका नंबर लगा के जाते हैं अपना, कि अपनी गाड़ियाँ हमें सेल कर दो। ये देखें फॉर स्क्रैप, चेक करें। और भी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, खैर यहाँ तक नज़र जाती है, वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। और अगर ये देखें कि ये मुझे मिली है मस्टैंग, जो कि न्यू मॉडल ही है। चेक करें, और अंदर से सारी ऑलमोस्ट कबाड़ी हुई पड़ी है, और फ्रंट से भी देख लें इसको, इसका इंजन नज़र आ रहा है, ये है मस्टैंग ही, यकीन करो मेरा मस्टैंग है। और गाइस ये देखें, अभी मैंने देखी है यहाँ पे एक रेंज रोवर पड़ी हुई है, इसकी कंडीशन आप चेक करें, ब्लैक कलर की रेंज रोवर है। और ये चेक करें, इसके ऊपर भी कार्ड लगाया हुआ है स्क्रैप वालों ने, रेंज रोवर स्पोर्ट्स गाड़ी है, स्पोर्ट्स रेंज रोवर। तो चेक करें एग्जॉस्ट सिस्टम इसके, चेक करें, और ये कहीं से एक्सीडेंट नहीं है आपके सामने आया, देखें बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में खड़ी है, और यानी कि बस धोने वाली है। और उसके पीछे ये देखें, ये ऑडी हो गई, वो BMW हो गई, और ये यहाँ पे ये मर्सिडीज खड़ी है, मर्सिडीज ऑडी BMW रेंज रोवर, यानी कि हर टाइप की यहाँ पे आपको गाड़ी मिलेगी अबैंडन्ड। गाइस तो हम लोग ये गाड़ियाँ खरीद भी सकते हैं ऑक्शन से, और उसके बाद पाकिस्तान या इंडिया भी लेके जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल पुरानी गाड़ी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर पुरानी गाड़ी हुई तो उसको हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब इम्पोर्ट नहीं कर सकते इंडिया या पाकिस्तान में, और यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वहाँ पर। और इसके अलावा इसकी बाकी डिटेल चाहिए तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, कितना टैक्स होता है, कितना क्या कुछ होता है, वो भी चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये चेक करें, ये मिलिट्री की जिस तरह होती है ना, या मिलिट्री वालों की ही है या क्या है, उस टाइप की लग रही है। ये देखें, ये तो एक अकॉर्ड खड़ी है यहाँ पे इसके साथ, और आपको दिखाता हूँ ये, चेक करें, मिलिट्री वैन ही लग रही है आई थिंक, पता नहीं कौन सी गाड़ी है ये। इसके साथ ही ये फोर्ड भी खड़ी है, वो अकॉर्ड खड़ी है, ये सिविक खड़ी है। और अगर ये देखें, एक मैंने और मस्टैंग देखी है, इसके साथ एक मर्सिडीज भी खड़ी है, ये दोनों अबैंडन्ड खड़ी हैं ये गाड़ियाँ भी यहाँ पे। और ये गाड़ी तो एक्सीडेंटल भी नहीं है, ये एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं हुई पड़ी, और वैसे ही खड़ी है। चेक करें, मस्टैंग ओनली इन दुबई ब्रो। ये देखें, ये BMW है 750 Li,
और ये भी यहाँ खड़ी है, मर्सिडीज़ खड़ी है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, मस्टैंग खड़ी है, उसके अलावा वो बीमर खड़ी है, ये भी बीएमडब्ल्यू, वो भी बीएमडब्ल्यू, वो भी बीएमडब्ल्यू। तो गाड़ियों की कमी नहीं है अबैंडन्ड कार्स की। अब बताएं कौन सी गाड़ी देखनी है दुबई में आपने अबैंडन्ड। तो ये चेक करें इसकी कंडीशन, तो आप लोग ये गाड़ियाँ जो है ऑक्शन से खरीद सकते हैं, और ऑक्शन वाले ही इसके पेपर देते हैं। जो अबैंडन्ड गाड़ियाँ वो मैंने लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल दे दी, आप वहाँ जाके चेक कर लें। और उसके अलावा इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन कम से कम तीन मैक्सिमम यानी कि 3 साल पुराना मॉडल होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना हो तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते गाड़ियाँ। तो ये देखें गाइस, ये देखें कि ये टोयोटा की सुप्रा कार खड़ी है, ये भी अबैंडन्ड खड़ी है यहाँ पे, टोयोटा सुप्रा, चेक करें। और गाइस ये देखें, अभी मुझे मिली है यहाँ पे एक चैलेंजर जो बैंडिट खड़ी है, अभी करना है किसने चैलेंज इसको। हाँ ये देखें, हो हो हो, होंडा अकॉर्ड खड़ी है इसका, देखें रिम की कंडीशन देखें, बहुत बैडली एक्सीडेंट है। और ये जो है चैलेंजर, ये एक्सीडेंट नहीं है, इसके आई थिंक टायर निकले हुए हैं, और उसके अलावा ठीक खड़ी है बिल्कुल, शायद कोई ड्रिफ्टिंग वगैरह कर रहा हो, टायर फट गए हों उसके। और ये तो बहुत गंदी कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ हुआ है इसका, और ये डोज बिल्कुल ठीक खड़ी है, हर साइड से बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद और भी ये देखें, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिधर भी नज़र डालेंगे आप हर साइड पर आपको अबैंडन्ड कार्स मिलेंगी। और गाइस ये देखें, एक और ये खड़ी है 350Z निसान की, लेकिन ये आई थिंक एक्सीडेंट हुई खड़ी है बहुत बुरे तरीके से। ये देखें फ्रंट साइड से देखें, बिल्कुल डैमेज है। और उसके अलावा एक रेंज रोवर भी खड़ी है यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये चेक करें, ये रेंज रोवर की ऑडी खड़ी है, रेंज रोवर की कंडीशन भी चेक करें। जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चला जाऊँ घर, थक गया हूँ मैं वीडियो बना बना के, लेकिन जो है ना कोई ना कोई गाड़ियाँ मुझे ऐसे नज़र आ ही जाती हैं जो मुझे रोक लेती हैं अपनी तरफ। ये देखें रेंज रोवर ऑडी A6, इसके एग्जॉस्ट चेक करें। और गाइस मैं तो थक गया हूँ, जा रहा हूँ घर। और गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।